बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग फर्स्ट ईयर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड टुडे द टॉपिक इज़ बायोलॉजी एंड द सर्विस ऑफ मैनकाइंड। ठीक है जी, तो ये आप लोगों ने मैनकाइंड के हवाले से बताना है कि जो बायोलॉजी की जो है वो इंसानियत के लिए हमें किस तरह से बेनिफिशियल साबित हुई है। तो इसमें हम लोग बहुत सी बातें बता सकते हैं, कुछ जनरल टॉपिक्स सा है ये। तो बायोलॉजी की खिदमात बेसिकली हमने बतानी है। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग बना देते हैं बायोलॉजी एंड मैनकाइंड। यानी पहले तो आप जनरल बातें बता दें कि बायोलॉजी ने किस तरह इंसानियत की जो है खिदमत की है। तो इसमें आप बता दें, सबसे पहले इसने इंक्रीज्ड फूड, बायोलॉजी की मदौलत ही हम लोग इस काबिल हो चुके हैं कि हम लोग अपनी जो पैदावार है, चाहे वो एग्रीकल्चर के हवाले से हो चाहे जानवरों के हवाले से हो, वो हमने बढ़ा दी है। वो कैसे, वो बाद में डिस्कस करते हैं। नंबर टू, बायोलॉजी की वजह से ही हम इस काबिल हो चुके हैं कि हम कम्बैटिंग अगेंस्ट डिजीज़ेस यानी हम लोग मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों से अब बच सकते हैं, जो पहले जो पास्ट के अंदर ये पॉसिबल नहीं था, चाहे वो ह्यूमन की डिजीज़ हों, चाहे वो प्लांट की हों, चाहे वो एनिमल की हों। इसी तरह प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट या प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट, अपने माहौल को हम लोगों ने कैसे प्रोटेक्ट किया है, हिफाजत की है, अपनी फसलों को, अपने प्लांट्स को, अपने फॉरेस्ट को कैसे प्रोटेक्ट किया है, अपने वाइल्ड लाइफ को कैसे प्रोटेक्ट किया है। कंजर्वेशन का मतलब होता है कि द वाइसफुल यूज़ ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, यानी अपने इस प्लेनेट अर्थ के अंदर जो जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनको कैसे हम अकलमंदाना तरीके से, कैसे हम कफायशराना तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमें बायोलॉजी ने ही बताया है, तो ये भी इसमें आप लोग बता देंगे। और इसी की बदौलत ही, यानी बायोलॉजी की बदौलत ही, वी कैन मेंटेन्ड हाई लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड्स। ये जो आज हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है, जो मोर्टेलिटी रेट्स हैं, अमवात की जो शरह है, वो जो कम हुई है, वो बिकॉज ऑफ बायोलॉजी की ही वजह से हुई है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल डिस्कशन के बायोलॉजी की खिदमत। इसके अलावा इसको अब हम वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं। नंबर टू पे अगर हम देखें प्लांट प्रोडक्शन, यानी अब यहाँ पे आपने ये बताना है कि एग्रीकल्चर हो गया, तो ये भी जो है बायोलॉजी की वजह से ही हमने इस काबिल हो गए हैं कि हम अपने फसलों की जो पैदावार है उसको इंक्रीज़ कर सकें। कैसे, हम लोगों ने इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ जो थी वो इंट्रोड्यूस करवाई हैं। इम्प्रूव्ड वैराइटीज़ से मुराद ये है कि हम ऐसी वैराइटीज़ लेके आ गए हैं, चाहे वो कॉर्न हो, चाहे वो राइस हो, चाहे वो वीट हो, जो कि बहुत ज़्यादा पिछली वैराइटीज़ की नस्बत ज़्यादा पैदावार देती हैं। ठीक है, इसी वजह से इनको हम लोग हाई यील्डिंग क्रॉप्स भी कहते हैं। ठीक है, ज़्यादा पैदावार देने वाली फसलें। तो एक तो ये फ़ायदा हो गया। उसके बाद ये जो न्यू वैराइटीज़ जो हमने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, दे नॉट ओनली गिव हाई यील्ड्स बट आल्सो दे आर रेजिस्टेंट टू पेस्ट्स, यानी ये बहुत से पेस्ट्स, कीड़े मकोड़ों से ये बची रहती हैं, जो कि माजी में इन पर अटैक कर लिया करते थे, लेकिन अब ये इनसे बच गई हैं। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है कि ये हाई यील्डिंग जो है हमने, और ये डिजीज़ रेजिस्टेंट भी होती हैं, यानी इनको बीमारियाँ भी कम लगती हैं, डिजीज़ रेजिस्टेंट। तो आप ख़ुद देख लें कि अगर एक तरफ
पैदावार ज़्यादा हो रही हो और दूसरी तरफ उसको इंसेक्ट्स वगैरह या वो फसलें या जानवर बीमार ना होते हों, तो कुदरती बात है कि अपने आप जो है वो एग्रीकल्चर की जो पैदावार है वो बढ़ जाएगी। नंबर थ्री पे आप लोगों ने ये बताना है सेलेक्टिव ब्रीडिंग। सेलेक्टिव ब्रीडिंग, सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर हम लोग जेनेटिक्स के जो रूल्स हैं उनको यूज़ करते हुए, द रूल्स ऑफ जेनेटिक्स को यूज़ करते हुए, रूल्स ऑफ जेनेटिक्स उसके अंदर इस तरह के अब हम लोगों ने जानवर जो हैं वो प्रोड्यूस करना शुरू कर दिए हैं जो कि ज़्यादा पैदावार देते हैं। जानवरों के हवाले से अगर देखें इसके अंदर या फसलों के हवाले से देखें, वीट है, राइस है, इसी तरह कॉर्न है, ठीक है, इसी तरह जानवरों के अंदर शीप है, चिकन वगैरह हैं, तो इनकी जो है हम लोगों ने सेलेक्टिव ब्रीडिंग के ज़रिए ऐसी नस्लें तैयार कर ली हैं, दो वैरायटीज़ को आपस में क्रॉस करके एक न्यू वैरायटी हम लोगों ने बना ली है जो कि पहली वैरायटियों से ज़्यादा अच्छी भी है, पैदावार भी ज़्यादा देती है, बीमार भी कम होती है, उस पर इंसेक्ट पेस्ट का भी अटैक कम होता है। तो ये हम बताएंगे इसके अंदर सेलेक्टिव ब्रीडिंग के अंदर। उसके बाद एक और ब्रांच है जिसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर हम किसी एनिमल या किसी प्लांट के अंदर उसके अंदर मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स कर देते हैं। मैनिपुलेशंस ऑफ जीन्स यानी उनके अंदर जीन्स में तब्दीली कर देते हैं और अपनी मर्जी के जो जीन्स हैं वो इंसर्ट कर देते हैं। फ़र्ज़ करते हैं किसी प्लांट है उसके अंदर आप ऑयल प्रोड्यूसिंग जीन डाल देते हैं तो वो ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर देगी। अगर कोई ऐसा प्लांट है कि उसके अंदर कोई ऐसा जीन डाल दें कि वो डिजीज़ से क्या हो जाए, वो रेजिस्टेंट हो जाए, तो ये मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स जो हैं इसको हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। और इसके नतीजे में जो हमें प्लांट्स हासिल होते हैं या जो जानवर हासिल होते हैं जिनके हमने जीन्स खुद चेंज किए होते हैं उनको हम लोग ट्रांसजेनिक एनिमल्स या ट्रांसजेनिक प्लांट्स बोलते हैं। ट्रांसजेनिक एनिमल्स, अब वो जो प्लांट या एनिमल तैयार हो गया उसको हम ट्रांसजेनिक एनिमल्स बोलेंगे या ट्रांसजेनिक प्लांट्स। तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स और ट्रांसजेनिक प्लांट्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द प्लांट्स और एनिमल्स हैविंग द फॉरेन जीन, हैविंग द फॉरेन जीन। तो इस फॉरेन जीन जाने के बाद, उसमें दाखिल होने के बाद जो नया एनिमल या जो नया प्लांट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसजेनिक प्लांट्स या ट्रांसजेनिक एनिमल्स, और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग, इसको हम लोग बोलेंगे। तो जब याद रखें कि जब एक दफ़ा आपके पास ट्रांसजेनिक प्लांट जो है वो तैयार हो जाता है, ट्रांसजेनिक प्लांट जब तैयार हो जाता है यानी उसके अंदर आपने कोई फॉरेन जीन डाल दिया है, तो बार बार आपको फॉरेन जीन डालने की ज़रूरत नहीं है। एक दफ़ा प्लांट आपने ट्रांसजेनिक प्लांट बना लिया, अब इसको आपने कैसे मल्टीप्लाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है आगे टिशू कल्चरिंग के ज़रिए, टिशू कल्चरिंग के ज़रिए। अब टिशू कल्चरिंग क्या होती है, टिशू कल्चरिंग होती है कि प्लांट्स को या प्लांट टिश्यूज़ को ग्रो करना इन आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में, आर्टिफिशियल ग्रोथ मीडियम में उसको ग्रो करके अब आप लोग जितने मर्ज़ी आगे प्लांट बना लें। मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल ले लेते हैं कि ये एक प्लांट है जो कि ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं। एक प्लांट हमारे पास बन गया है ट्रांसजेनिक प्लांट, इसके अंदर फॉरेन जीन मौजूद है। अब आपको दोबारा ट्रांसजेनिक प्लांट बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास बन गया है, इसी के आप टिश्यूज़ ले लें। टिश्यूज़ क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ सेम सेल्स जो होते हैं वो टिश्यूज़ कहलाते हैं। इन टिश्यूज़ को आप लोग एक पैट्री डिश में रख दें और इन सेल्स को आप लोग यहाँ पे सेपरेट भी कर सकते हैं और इसको आपने
इसके अंदर पैटी डिश में डाल दिया। अब यहाँ पे ये जो सेल्स हैं ये ग्रो भी करेंगे, डिवाइड होंगे और इन्हीं में से ही जो हैं वो प्लांट्स बनना शुरू हो जाएंगे, यानी एक प्लांट से आप कई आगे प्लांट्स बनाना शुरू कर देंगे और ये जितने भी प्लांट्स बनेंगे वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होंगे इस ट्रांसजेनिक प्लांट के, जिसको आप लोग कहते हैं टिशू कल्चरिंग। इसको प्रोपोगेट कर किया जा सकता है टिशू कल्चरिंग के ज़रिए, तो इसको हम लोग क्लोनिंग भी बोलते हैं। तो ये आप लोगों ने बता देना है। अब क्लोनिंग क्या होती है? क्लोनिंग बिल्कुल इसी तरह ही है कि प्रोडक्शन यानी प्रोड्यूस करना आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स बाय ए सेक्शुअल मैथड। तो इस तरीके से आप लोगों ने क्या किया, सबसे पहले आपने ट्रांसजेनिक प्लांट बनाया। ट्रांसजेनिक प्लांट्स में आपने खुद से फॉरेन जीन इंसर्ट किया। जब इस आपकी मुतलका खूबियाँ इस प्लांट के अंदर आ गई, अब आपने क्या किया, इसका टिशू लिया, इस टिश्यूज को प्रोपोगेट कर दिया किसके अंदर, पैट्री डिश के अंदर, और उसके अंदर ग्रोथ मीडियम है तो ये टिशू कल्चरिंग हो जाएगी। और टिशू कल्चरिंग के ज़रिए जितने भी प्लांट्स बनेंगे ये आपस में सिमिलर होंगे और अपने पेरेंट्स से भी सिमिलर होंगे, तो क्लोनिंग के ज़रिए जो है हम इनको प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ जहाँ पे साइंस ने बहुत तरक्की की, बायोलॉजी ने बहुत तरक्की की, वहाँ पे पैदावार में तो इजाफा हो गया, लेकिन एक प्रॉब्लम साइंसदानों के सामने और भी आ रहा था कि बीमारियों को कैसे कंट्रोल करें। तो सबसे पहले जो तरीक़ेकार आया बीमारी कंट्रोल करने का, वो आया केमिकल कंट्रोल। अब केमिकल कंट्रोल में क्या था कि हम लोग यूज़ किया करते थे, अब भी कुछ इलाकों में, बल्कि मोस्टली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं ख़ासतौर पे पाकिस्तान वगैरह में, जो हम पेस्टिसाइड्स का स्प्रे करते हैं। अब पेस्टिसाइड का जो स्प्रे है उसको करने से जो प्लांट्स एनिमल्स जो है जो इंसेक्ट्स हैं वो मर तो जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो इंसान के लिए कार्सिनोजेनिक होते हैं, जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें इजाफा करते हैं। और दूसरा नुकसान इसका ये है कि बार बार पेस्टिसाइड के स्प्रे से वो जानवर जो है, वो जो इंसेक्ट है, वो जो पेस्ट है, वो रेजिस्टेंट हो जाता है। अगर एक दफ़ा वो सिंगल डोज से मर रहा है तो हो सकता है उसकी 3-4 जनरेशन के बाद वो डबल डोज से मरना शुरू हो, तो जानवरों के अंदर यानी कि वो आ रही है, म्यूटेशन आ रही है, वो रेजिस्टेंट हो रहे थे और हमारे लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर रहे थे, हमारी जो एनवायरनमेंट है उसको पोल्यूट कर रहे थे। तो साइंसदानों ने पहले तो केमिकल कंट्रोल तो डिस्कवर कर लिया, लेकिन फिर बाद में खुद ही पता लगा कि नहीं, केमिकल कंट्रोल इतना अच्छा नहीं है। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने बायोलॉजी से क्या सीखा, बायोलॉजिकल कंट्रोल सीख लिया। अब बायोलॉजिकल कंट्रोल क्या है? बायो मीन लाइफ, यानी किसी ज़िंदगी का खात्मा करना किसी दूसरी ज़िंदगी की मदद से, वो क्या कहलाएगा, बायोलॉजिकल कंट्रोल। मिसाल के तौर पे आपकी बुक के अंदर एक एग्जांपल दी गई है कि एफिड एक इंसेक्ट है, एक पेस्ट है, जो कि वॉलनट ट्री के ऊपर अटैक करता है। अब वॉलनट ट्री, अब कोई भी किसान, कोई भी फार्मर ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि वॉलनट ट्री मेरा जो है वो ख़राब हो जाए, तो इस पर स्प्रे करेंगे तो फिर वही वाली बात है, पोल्यूशन की वाली बात आ जाएगी। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया कि एक और इंसेक्ट मुतारिफ़ करवाया जिसका नाम है वैस्प। और ये वैस्प जो है ये जब उस फसल के अंदर छोड़ दिया जाता है तो ये पैरालाइज कर देता है किसको, एफिड को, यानी वो एफिड को मार देता है, ठीक है ना, और वॉलनट ट्री को नुकसान नहीं पहुँचाता। अब ये देखें, वैस्प ने आपके दुश्मन को मार दिया और आपकी फसल को नुकसान नहीं पहुँचा रहा। तो इस तरीके से जो कंट्रोल आप लोग करेंगे इसको आप लोग बोलेंगे बायोलॉजिकल कंट्रोल। इससे फ़ायदा ये होगा कि एक तो पोल्यूशन का इजाफा नहीं होगा, दूसरा ये वेरी कॉस्ट इफ़ेक्टिव है, ये इतना महंगा भी नहीं होता, और तीसरा ये है कि जो हमारा एनवायरनमेंट है वो सेफ रहता है इन चीज़ों से, ठीक है। और साथ साथ हम लोगों ने कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे बना लिए हैं जो के पेस्ट्स को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। तो कुछ बैक्टीरिया भी ऐसे बना लिए हैं हम लोगों ने जो के पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, तो इसी वजह से इन बैक्टीरिया को हम लोग बायोपेस्टिसाइड्स भी बोलते हैं, बायोपेस्टिसाइड्स भी इनको कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये पेस्ट को तो मार रहे हैं,
पेस्ट का मतलब तो हो गया ये इकोनॉमिकली हार्मफुल लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जो कि आपकी फसलों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इकोनॉमिकली इंसान को नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो पेस्टिसाइड मैंने किल। बायो का मतलब लाइफ, यानी एक ज़िंदा चीज़ को कंट्रोल करना किसी ज़िंदा चीज़ की मदद से, क्योंकि बैक्टीरिया भी ज़िंदा चीज़ है और वो किसी आपके दुश्मन को अगर मार रहा है तो वो ये क्या कहलाएगा, बायो पेस्टिसाइड। तो ये इसका में फ़ायदा इसका हो जाएगा। अब ये तमाम चीज़ें जब हम लोगों ने हासिल कर ली, पैदावार में भी इजाफ़ा कर लिया, और पैदावार में इजाफ़ा करने के बाद हम लोगों ने क्या किया, अपने दुश्मन को भी कंट्रोल कर लिया, तो इन फिनोमेना को हम लोग बोलते हैं IDM, IDM, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट कहते हैं इनको, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट जो है ये आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर डेफिनेशन भी आ जाती है। तो इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट को आप लोगों ने कैसे बयान करना है कि इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ, एक मौसर तरीके से इफेक्टिव कंट्रोल किया हमने, यानी एक मौसर तरीके से हमने कंट्रोल किया जान जो पेस्ट हैं, ठीक है, इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ पेस्ट बाय यूजिंग रेलिवेंट एंड अप्रोप्रिएट मेथड, ठीक है। ये जो भी आप लोगों को फसल के अंदर जो प्रॉब्लम आ रही है या कोई जानवर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम लोगों ने एक अफेक्टिव और अप्रोप्रिएट तरीके से, रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट तरीके से जो है वो हम लोगों ने कंट्रोल करने को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट। तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने याद कर लेनी है। उसके बाद एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट आपका जो शॉर्ट क्वेश्चन बनता है और वो है हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक क्या है? हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक हम इसको कहते हैं कि द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन एरेटेड वाटर। तो वाटर एरेटेड वाटर के अंदर, यानी ऐसा वाटर जिसके अंदर ऑक्सीजन वगैरह की अवेलेबिलिटी भी हो ताकि प्लांट को ग्रो करने में प्रॉब्लम ना हो, तो सिर्फ़ और सिर्फ पानी के अंदर ग्रो करने को प्लांट्स को हम लोग कहते हैं हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक। अब हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक की सिग्निफिकेंस क्या है, हमें क्या ज़रूरत पेश आती है कि सिग्निफिकेंस कि हम क्यों हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक करते हैं जबकि फसल जो है या प्लांट जो है सॉइल में भी तो ग्रो हो सकता है। इसकी दो वजूहात हैं। पहली बात तो ये है, इसकी पहली टू डिटरमिन द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट बाय द प्लांट, न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स बाय प्लांट्स। इसके ज़रिए पहली बात तो ये है कि साइंसदानों को पता चल जाता है कि कौन से प्लांट को कौन सा न्यूट्रिएंट ज़्यादा चाहिए, कौन सा न्यूट्रिएंट कम चाहिए। मिसाल के तौर पे ये फ़र्ज़ कर लेते हैं, ये हमारे पास एक बीकर है और इस बीकर में हम लोगों ने ये वाटर डाला हुआ है और इसके अंदर हम लोगों ने ये प्लांट जो है ये एक रखा हुआ है, प्लांट इसमें ग्रो कर रहे हैं हम लोग। अब एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करने से पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं इसमें 70% या हम यूं कर लेते हैं 50% इसमें नाइट्रोजन थी, 50% इसमें पोटेशियम थी और 50% ही इसमें फॉस्फोरस थी। चंद घंटे इसको यहाँ पे ग्रो होने के बाद उसी पानी के अंदर हम लोग, जब ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है, प्लांट अपनी खुराक तैयार कर रहा है, तो चंद घंटे के बाद जब हमने दोबारा पानी का तज़िया किया तो इसमें रह गई 25% नाइट्रोजन रह गई, 25% नाइट्रोजन, 40% इसमें रह गई जी पोटाशियम और 30% रह गई फॉस्फेट।
अब आप लोग पानी का तजिया करने के बाद आप कंपेयर कर सकते हैं कि प्लांट ने कौन सी चीज़ या ज़्यादा यूज़ की। देखें, पहले नाइट्रोजन 50% थी, अब रह गई 25%। इसका मतलब ये हुआ कि 25% इसने नाइट्रोजन यूज़ करी, यानी सबसे ज़्यादा इसने नाइट्रोजन यूज़ की। फास्फोरस पहले 50 थी, अब 30 रह गई, यानी 20% इसने यूज़ कर ली। और पोटाशियम पहले 50 थी, अब 40 रह गई है पानी के अंदर, तो इसने 10%। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एज अ साइंटिस्ट कि कौन सा प्लांट जो है उसको कौन से न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। तो ये हाइड्रोपोनिक कल्चर टेक्निक का पहला फ़ायदा है। दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि एस्ट्रोनॉट्स यानी जो खलाबाज हैं उनके लिए भी ये माना जाता है, क्योंकि अब आगे जो है मून से आगे की जो है वो डिस्कवरी की बात है, मरीख पे जाना है, तो बार बार जो है चांद पे जाना या खला में जाना, फिर वहाँ पे जाके खाना ख़त्म हो जाना, फिर वापस आना, तो उससे बेहतर है कि ऊपर जो स्पेस स्टेशन है वहाँ पे, क्योंकि सॉइल वगैरह अवेलेबल नहीं होती, तो वहाँ पे वाटर में ही अगर हम उनको ग्रो कर लें वेजिटेबल्स को, तो उनको वहाँ पे भी खुराक की अवेलेबिलिटी हो सकती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर एस्ट्रोनॉट्स के हवाले से एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स के हवाले से ये चीज़ें इसमें बता देनी हैं। उसके बाद आप लोगों ने लास्ट इसका हेडिंग बनानी है, और लास्ट हेडिंग के अंदर आप लोगों ने इसका ज़िक्र करना है प्रिजर्वेशन का। अब जो प्रिजर्वेशन, अब आप लोगों ने इतनी मेहनत करके बायोलॉजी की मदद से आपने रेजिस्टेंट वैराइटीज़ भी बना ली, आपने पैदावार भी इंक्रीज़ कर ली, आपने बायो पेस्टिसाइड भी बना ली, कीड़े मकोड़े भी कंट्रोल कर लिए, पैदावार भी ज़्यादा हो गई, लेकिन अब फ़ायदा तब है कि जो फार्मर है वो ज़्यादा देर तक उस क्रॉप को प्रिजर्व कर सके, महफूज कर सके, ताकि जब मार्केट में रेट ज़्यादा हो उसको बेचा जा सके। वरना पहले क्या था, पहले ये था कि जो क्रॉप आती थी वो ख़राब हो जाती थी। तो अब इस तरफ आया जा रहा है कि अगर हमने क्रॉप को दूर दराज किसी ममालिक में ट्रांसपोर्ट करना है, वो ज़्यादा देर तक प्रिजर्व रहे, ख़राब ना हो, उस मेथड को हम लोग कहते हैं प्रिजर्वेशन। प्रिजर्वेशन जो है इसके अंदर बहुत से तरीके हैं, लेकिन आपके कोर्स के अंदर जो है उसका नाम है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन जो है ये एक ऐसा मेथड है जो कि इंट्रोड्यूस किया था, करवाया था लुईस पास्चर ने। लुईस पास्चर की वैसे तो बहुत सी खिदमात हैं बायोलॉजी के लिए, जो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में आप लोग देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग पास्चराइजेशन के हवाले से, इन्होंने मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को ज़्यादा देर तक, ठीक है, प्रिजर्व रखने के लिए जो मेथड बनाया था उसको हम लोग कहते हैं लुईस पास्चर का बताया हुआ मेथड पास्चराइजेशन। इसकी बेहतरीन एग्जांपल ये है, ये जो मिल्क पैक वगैरह के जो डब्बे दूध के मिलते हैं, ये मेथड जो है इसमें दूध अगर आप देखें कि अगर वो डब्बा बंद है तो उसको महीनों वो दूध ख़राब नहीं होता, वरना वैसे तो दूध जो है वो अगर एक दो दिन बाहर पड़ा रहे तो वो ख़राब हो, बल्कि चंद घंटों में ख़राब हो जाता है। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो वो पैक है, उस पैक को के अंदर जो है दूध को गर्म करके डाल दिया जाता है, कई उसकी लेयर्स होती हैं ताकि जरासीम अंदर ना आए। दूध को पहले बॉयल कर लिया जाता है ताकि दूध के अपने जरासीम भी मर जाएं और बाहर से भी जरासीम अंदर ना आए। तो इस मेथड को हम लोग कहते हैं पास्चराइजेशन, और इस तरीके के ज़रिए हम लोग मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स को देर तक महफूज रख सकते हैं। तो ये जब ये महफूज हो जाएंगे तो ज़ाहरी बात है आपकी मर्ज़ी है, उसको जब मर्ज़ी आप लोग एज अ कंपनी, एज अ फार्मर उसको सेल आउट कर सकते हैं। तो ये तरीक़ेकार आपने बता देना है। ये हमने एक ओवरव्यू कर लिया कि बायोलॉजी की सर्विसेज क्या हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। तो फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियोज़ प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद अस। थैंक यू वेरी मच।